कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की प्रायोगिक चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत पारंपरिक पूजन विधि के साथ की गई और इस प्रयोगशाला का संचालन 45 दिनों के लिए किया जाएगा और इस दौरान संस्थान के फार्म में गन्ने को पेराई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। संस्थान के निर्देशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि प्रायोगिक चीनी मिल कई मायने में इकलौती ऐसी चीनी मिल है जिसमें कच्ची रिफाइंड चीनी के अलावा औद्योगिक श्वेत शर्करा भी तैयार की जाती है। नरेंद्र मोहन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विश्व का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को संस्थान में परीक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। शर्करा संस्थान की जो ये प्रायोगिक चीनी मिल है ये एक मायने में बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि अगर आप विश्व का कोई भी शर्करा संस्थान देखेंगे वहाँ पे उनकी अपनी कोई जो है इस प्रकार की चीनी मिल नहीं है जहाँ पे कि वहाँ पे छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो आप विश्व के कोई भी संस्थान को देखें उसके हिसाब से ये संस्थान जो है वो बिल्कुल अलग है। ये प्रायोगिक चीनी मिल का आज पेराई सत्र चालू हुआ है। हम इस चीनी मिल को लगभग 45 दिन चलाते हैं और यहाँ पर छात्र खुद अपने हाथों से काम करते हैं, चीनी मिल के जो विभिन्न इक्विपमेंट हैं उनको चलाते हैं, क्या पैरामीटर मेंटेन करने हैं उनको देखते हैं और जो पूरी प्रक्रिया है गन्ने से चीनी बनाने की उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/